बच्चों के लिए कब्रगाह बन चुका मुजफ्फरपुर जिले का श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अब मानव कंकाल को लेकर विवादों में है। इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जगह जगह इंसानों की खोपड़ी और हड्डियां बिखरी हुई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार से अब तक 118 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह अस्पताल संसाधनों की कमी के साथ साथ लापरवाही बरतने के आरोप के चलते विवादों में है। अब नया विवाद इस अस्पताल के कैंपस में मानव कंकालों का मिलना है। मेडिकल कॉलेज के पिछले हिस्से में जगह जगह खोपड़ियां और हड्डियां फेंकी हुई हैं। सैकड़ों के तादाद में खोपड़ी हड्डी सब फेंका हुआ है पीछे में, ऐसा ही जमीन पे। ये कौन फेंकता है और कैसे ये सब संभव? ये तो पोस्टमार्टम की लास्ट है। जो उसमें पोस्टमार्टम जो करते हैं डोम लोग, वही लोग लाते हैं, कुछ जलावन भी लाते हैं, जलाते हैं, जहाँ तक ले जलता है, नहीं जलता वैसा ही पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत जलावन लेके आते हैं, एक दो लाश जला तो जला, नहीं तो सबको ऐसे ही फेंक के चले। एक दो लाश लेकर नहीं आते, एक बार में 15 लाश 12 लाश 14 लाश लाते हैं। जितना जलावन हमने देखा उसमें तो एक दो भी नहीं जलेगा ठीक से। वो तो वही लोग समझे जो कितना जलावन मिलता है एक लाश पर और कितना जलावन लेकर आते हैं, कोई उसको हम लोग लिखा पड़ी थोड़ी रखते। बोरा में फेंका हुआ है ऐसे ही? बोरा वाला हम नहीं जानते, बोरा के हम तो देखे नहीं। उधर फेंका हुआ अभी हम देखे नहीं, हम देखे हैं तो ऐसे ही हमेशा पड़ा रहता है। हाँ, ऐसा ही रहता है। कैंपस में बिखरी हड्डियों को देखकर साफ है कि लाशों का अंतिम संस्कार ढंग से नहीं किया जाता, जबकि मेडिकल कॉलेज से इसके लिए प्रति लाश 2,000 रुपए मिलने का प्रावधान है। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक कहते हैं कि पोस्टमार्टम का विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। ये पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट तो प्रिंसिपल साहब के अंदर में, लेकिन इसमें मानवता होनी चाहिए। जब अस्पताल से अगर कोई लावारिस पेशेंट जाता है तो उस लावारिस पेशेंट को थाने को खबर किया जाता है, जो 72 घंटे तक आप इसको पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में सब सुरक्षित रखेंगे। अगर उनके परिजन आ जाते हैं तो उनको हैंडओवर करेंगे, नहीं आते हैं तो उनका जिस धर्म के हैं उस धर्म से उनका दाह संस्कार होना है। इस एवज में प्रति शव 2,000 रुपया ये अस्पताल रोगी कल्याण समिति से देता है, थाना उसको रिसीव करते हैं। जिनके अंडर में डिपार्टमेंट है प्रिंसिपल साहब से, मैं पहले उनसे बात करता हूँ जो इस किस परिस्थिति में ऐसा है, और उनको कहूँगा एक जांच समिति बैठाएं कि किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। मगर इस तरह कंकालों का मिलना श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत की तरफ इशारा करता है, जो दाह संस्कार की रकम भी हजम करने से पीछे नहीं हट रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।